गाइज़ आज हमारे पास में है एक बैलून और आज हम इस बैलून को पानी के अंदर फोड़ने वाले हैं, यानी कि पानी के अंदर हम इस बैलून को डाल देंगे और उसके बाद हम इसे फोड़ देंगे। और ये है हमारा पानी से भरा हुआ जार। तो यार आप लोगों को शायद आदत पड़ गई होगी इस चीज़ की, क्योंकि यार हर वीडियो में, मतलब पिछले काफ़ी वीडियो में अंडर वाटर एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहा हूँ, तो ये अंडर वाटर जार आप सभी को पता ही होगा। तो अब बिना किसी देरी के आज के एक्सपेरिमेंट को शुरू करें। और आप साथ ही में अंडर वाटर जब मैं इस बैलून को फोड़ूंगा तो साथ ही में आप मतलब स्लो मोशन शॉट्स भी देखेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस यार जो मेरे पास में बैलून है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। आप भी सोच लो यार इतना छोटा बैलून क्यों यूज़ कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं जार के अंदर इजीली डाल सकूँ जो बैलून को, इसलिए मैं इसके अंदर आसानी से मतलब जा सके, इसलिए मैं इतने छोटे बैलून का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं बड़ा बैलून यूज़ करता तो वो पानी के अंदर ना जाता। और मेरे पास में इतना बड़ा वाटर टैंक या फिर कोई बहुत बड़ा नहीं है कि उसके अंदर मैं बहुत बड़ा बैलून ब्लास्ट कर सकूँ यानी कि फोड़ सकूँ। चलो इस बैलून को अंडर वाटर फोड़ देते हैं अब इस पिन की मदद से। चलो अब फोड़ते हैं। मैं इसको पानी के अंदर अच्छे से डाल देता हूँ। ये गया पानी के अंदर, अब चलो पिन डाल दूँ। मैं इसको पिन की मदद से फोड़ दूंगा। ऑल राइट। सुबह हमारा बैलून फूट चुका है। देखो मुझे नहीं पता कैसा हुआ जब पानी के अंदर मैंने बैलून को।